नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरी और विपक्ष को जमकर घेरा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि कुछ लोग नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कानून को लेकर किसानों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी मांग पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, एमएसपी को कोई खत्म नहीं कर सकता। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, किसानों और सरकार के बीच बातचीत के रास्ते कतई बंद नहीं हुए हैं। कृषि मंत्री लगातार किसानों के संपर्क में हैं। उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा, नए कृषि कानून देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने का मतलब ये कतई नहीं है कि बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भविष्य में भी कहीं कोई कमी नजर आए तो उसे सुधारा जाएगा। साथ ही किसानों की मंडी व्यवस्था मांग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये और बेहतर होगी और एमएसपी को कतई खत्म नहीं किया जा रहा। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और इसके ठीक बाद राकेश टिकैत पर सबका ध्यान गया, क्योंकि विपक्ष अभी तक यही आरोप लगाता था कि मोदी आखिर कोई बात क्यों नहीं कर रहे। और जब आज मोदी ने बात की तो विपक्ष एकदम शांत हो गया। खैर, मोदी के भाषण के बाद राकेश टिकैत ने क्या कहा ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय आंदोलन में राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यदि किसानों से बातचीत करना चाहते हैं तो उनका किसान मोर्चा उनसे बात करेगा, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। टिकैत ने कहा कि सरकार 15 संशोधन करना चाहती है, पहले उन्हें निकाल लें और फिर आगे की बात भी कर ली जाएगी। टिकैत ने पीएम मोदी को चैलेंज दिया कि जैसे वे लोगों से गैस सिलेंडर छोड़ने की अपील करते हैं, वैसे ही अपील एक बार सांसद विधायकों से पेंशन छोड़ने की भी कर दें। खैर, पेंशन छोड़ने की अपील पर बीजेपी नेता की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि टिकैत जी का कहना है कि अब आंदोलन की नई मांग है कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़ दें। बीजेपी नेता ने कहा कि समझ नहीं आ रहा पेंशन का किसान बिल से क्या लेना देना। वहीं जब राकेश टिकैत से ये पूछा गया कि आंदोलन अब किसान आंदोलन से जाट आंदोलन में तब्दील होते जा रहा है, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये मसला पहले पंजाब का और हरियाणा का था, फिर जाटों को बना, अब ये आंदोलन छोटे बड़े किसानों का हो गया है। सभी किसान एक हैं, छोटा बड़ा क्या है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा, अनाज की कीमत भूख पर तय नहीं होगी। देश में पानी से सस्ता दूध बिकता है, उसका भी रेट तय होगा। आपको बता दें कि 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, पर मामला अभी भी जस का तस बना हुआ है। कई किसान नेताओं का कहना है कि यह कानून किसानों के लिए खतरनाक साबित होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कानून किसानों के लिए भविष्य में फायदेमंद ही होंगे और इनमें बिचौलियों की छुट्टी हो जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार किसानों को कैसे मनाती है और राकेश टिकैत अपनी राजनीति को चमकाते हुए आगे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि 6 फरवरी को चक्का जाम की हवा फुस हो गई थी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।